तेजस्वी यादव जी कुछ मंत्री नहीं है, बाबू के भरोसे मंत्री बने हैं। अपना तो नौमा फेल है ना, नौमा फेल आदमी कुछ बन सकता है, चपरासी भी, और कहे डरेंगे भाई। ये शिक्षा मंत्री लायक है चंद्रशेखर? रामचरित मानस पे बोलते हैं, मनुस्मृति पे बोलते हैं, अपने ना शिक्षा मंत्री लायक नहीं है, हमको ज्ञान देने चले हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए हमारे साथ अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी अभिषेक झा नाम है। आप डरपोक हैं? कहला डरेंगे भाई, शिक्षा मंत्री क्या बोले हैं वो भूल गए, कल बोले हैं कि जो लोग डरते हैं वही शिक्षा मंत्री जी के साथ जो खड़े हैं पीछे वह शिक्षा माफिया है, वो डरपोक है। जिसके साथ खड़े हुए उस पर 420 का केस, इतना केस है। और कुछ छात्रों से पता है कि उनका बीएड कॉलेज है, बिना छात्र के वहां छात्र पास हो जाता है बिना गए हुए, तो उस शिक्षा माफिया खुद बन गए हैं। शिक्षा मंत्री शिक्षा माफियों के साथ, परसों का इंटरव्यू में कोई सिंह है उस पर 420 बहुत सारा धाराएं लगा हुआ है उसके। आप जा रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट? एकदम जा रहे हैं। आप डरते होंगे? और कहे डरेंगे भाई, ये शिक्षा मंत्री लायक है चंद्रशेखर? है कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट जाएगा वो शिक्षा परोसना नहीं चाहते। हम लोग शिक्षा परोसना चाहते पिछले 4 सालों से। आई शिक्षा मंत्री जी कारतूस गए, अरे यही नहीं शिक्षा मंत्री थे ना कि एयरपोर्ट पे कारतूस पकड़ाया था? उसके बाद रामचरित मानस पे बोलते हैं, मनुस्मृति पे बोलते हैं, अपने ना शिक्षा मंत्री लायक नहीं है, हमको ज्ञान देने चले हैं। तो होगा कोर्ट जाएंगे? एकदम जाएंगे। आई शिक्षा मंत्री जी को बता देंगे कि बिहार के जनता शिक्षा चाहता है, आओ क्वालिटी पूर्ण हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लेंगे। तो तेजस्वी यादव के मंत्री हैं? तेजस्वी यादव जी कुछ मंत्री नहीं है, बाबू के भरोसे मंत्री बने हैं। अपना तो नौमा फेल है ना, नौमा फेल आदमी कुछ बन सकता है, चपरासी भी नहीं, चपरासी लायक नहीं। मुख्यमंत्री हैं? उप मुख्यमंत्री है तो बाबू के भरोसे है। उप मुख्यमंत्री बाबू के भरोसे है, अपना भरोसा नहीं है बाबू के भरोसे, के भरोसे। और क्या 24-25 में कह रहा था कुछ नहीं करते हैं, कुछ ना 24 लोग नाम दिए ना कि युवा के नेता है, युवा। अरे तो हम लोग को ठग के वोट ले लिया ना कि युवा के लिए करेंगे पहली कलम से। आप इंतजार का मजा लीजिए, यह डक बंगला चौराहा पे लाठी से कपार पर पिटवाया था है। अभी हर चीज में घूमने के लिए, बर्थडे पार्टी घूमने के लिए उसको फुर्सत है, लेकिन युवा शिक्षक आदमी से मिलने के लिए नहीं फुर्सत है उसको। तो परीक्षा नहीं दीजिएगा कुछ समय में? परीक्षा नहीं, आप इधर कोर्ट जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, क्या मिलेगा इससे? हमें न्याय मिलेगा। तेजस्वी, लेकिन एक बार और बात है ना, तेजस्वी यादव जी के पास क्वालिफिकेशन नहीं है, नौमा फेल तो शिक्षकों नहीं बन सकता है, क्या करेंगे तेजस्वी यादव जी? ज्यादा गर्म आप रहते हैं हमेशा तेजस्वी यादव ही पे, हमको लग रहा है। नहीं, बिहार में जो सरकार चचा भतीजा का है हम लोग को ठग, शिक्षक अभ्यर्थी जब हम लोग आते हैं बात करने के लिए तब लाठी चलवाते, तो गर्म ना रहे तो ठंडा रहे, यही दोनों आदमी। कभी कहता है जंगल आ जाए, कभी कहता है चचा पलटू जो है चचा, और दोनों उलट फेर करते रहता है, और वोट हम लोग से ठग लेता है, और उसके बाद क्या करता है, दोनों एक हो जाता है। तो हम आप लोग, हम लोग रोड पे भटक रहे हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट शिक्षा मंत्री जी को बता देना चाहते हैं, बिहार समस्या नहीं है, यहाँ समस्या है बेरोजगारी का, यहाँ समस्या है शिक्षक अभ्यर्थियों का, यहाँ समस्या है शिक्षक नेताओं का, यहाँ समस्या एकदम लड़ेंगे, एकदम लड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, जो हो जाए मार दीजिए जान, अरे हमारा जान मार दीजिए, देखते हैं कितना दम है, हमें संविधान पर विश्वास है। अभी बीपीएससी शिक्षक भर्ती का क्या होगा? नहीं फॉर्म भरेंगे, कितना फॉर्म? रोड पर रह जाइएगा? अरे रोड पर रह जाएंगे उसे मंजूर। हाँ। हमें न्याय मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, हम लोगों का मेरिट बना हुआ है, 30,675 एसटीईटी मेरिट में आए हुए हैं, अब फिर मेरिट ऐसा कोई आदमी खुश नहीं है, एक भी आदमी, 12 लाख शिक्षक अभ्यर्थी खुश नहीं है। देखिए शिक्षक अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद थे, सड़क पर मिल गए और बहुत गर्म हो गए। लालू यादव के बेटे यानी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री को बहुत सुना दिए, साफ कह दें कि बाबू के भरोसे रहते हैं और शिक्षक अभ्यर्थियों को किस हाल पे छोड़े हैं वो आपने सुन लिया। साफ कह दें कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती का एग्जाम नहीं देंगे, फॉर्म भी नहीं भरेंगे, बहुत सुना दिए शिक्षा मंत्री को तो रगड़ के रख दिए। तो क्या कुछ कहना था शिक्षक भर्ती का वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को लाइक करें, धन्यवाद।